प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। हे महारानी, आज अयोध्या पति की ऐसी दशा क्यों है, इसका क्या कारण है? सुमंत जी, आज महाराज को सारी रात निद्रा नहीं आ पाई है। वे सारी रात इसी प्रकार से राम राम रटते रहे हैं। आप जाइए और राम को लिवा कर लाइए, तभी आपको इसका सारा कारण पता चल जाएगा। जी महारानी। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री, पिताश्री, हुआ ये क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या भारी विपदा आई है? मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? पुत्र राम, तुम्हारे पिता पर मेरे दो वरदान धरोहर थे। समय अनुसार मैंने वो दोनों वर मांग लिए। पहले वर में भरत का राजतिलक और दूसरे वर में मैंने तुम्हें तपसी वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। राम, तुम आज्ञाकारी पुत्र हो। मुझे विश्वास है तुम अपने पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन करोगे। जी माता, बड़बागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेत सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारे अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। माता, सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। यह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी अचरज है तो ये है। क्या इतने पर ही इनकी बुरी दशा इतनी? संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा रहो। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा हो। राम, जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे पिता की यही दशा रहेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, तो शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो, अपने पिता के प्रण का पालन करो। जो आज्ञा माता। पिताश्री प्रणाम। उर्मिले, विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे प्राणनाथ, प्रस्थान करिए श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर में। भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई ये सुनकर मैं भी कहती हूँ यही। यह दिन है उत्साह दिखाने का। हे प्राणेश्वर, यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का।
मैं खुश हूँ जब ये देख रही वो शाक सफर की पहने हो, वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। तुम कहती हो कृत कृत्य हुई मैं कहता हूँ धन्य हो तुम उर्मिले, ना हो तुम मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान वहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, उसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खलती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। मैं चलूं साथ किसके, उसके साथ जो सेवा करने को जाए। सेवक का कब धर्म है ये कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाए। यदि मैं चलूंगी तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो सेवा वह छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। चित्र आपका हृदय में है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। हे प्राणेश्वर, अब देख टके आप प्रयाण करें, वह माता वह जगजननी वह जगदम्बा कल्याण करें। हे नाथ, अब प्रभु श्री राम के साथ वन में प्रस्थान करें। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, तुम आ गए राम, आओ बैठो, स्नान ध्यान करके तुम फल खाओ, फिर पिताजी से मिलने जाना, क्योंकि आज राज तिलक का समय है ना, वो निकला जाएगा। माता जी, पिताश्री ने मुझे वनों का राज दिया है जिसमें सभी प्रकार से मेरा हित है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र ही वनों में समय व्यतीत कर आपके और पिताजी के चरण कमलों के दर्शन कर सकूं। पुत्र, ऐसा आपसे क्या अपराध हो गया जो पिताश्री ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे दी, क्या अपराध हुआ पुत्र? हे माताजी, केकई माता के दोवर पिताश्री के पास धरोवर थे जो उन्होंने समय आने पर मांग लिए हैं, जिसमें पहले वर में भैया भरत को राज और दूसरे वर में मुझे 14 वर्षों का वनवास। पुत्र राम, वनों के तो भाग उदय हो चुके हैं और अयोध्या अभागिन हो गई है। मेरे पुत्र राम, अभागिन हो गई है अयोध्या। किंतु बेटा, ये सीता ये भी तुम्हारे साथ बन गई जाना चाहती है, इसे मैं कैसे समझाऊं पुत्र, कैसे समझाऊं इसे, इसको कैसे वन में भेजूं मैं? हे विदेह नंदिनी, यद्यपि माता के समक्ष कुछ कहते नहीं बनता और समय के अनुसार आप मेरा और आपका भला चाहती हैं, तो आप यहीं अयोध्या में रहकर सास और ससुर की सेवा कीजिए, यही आपका धर्म है। हे प्राणनाथ, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। हे माता, बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं भी बन जाना चाहती हूँ। पुत्री, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो अपना शेष जीवन बिता लूंगी, मगर तुम पति के बगैर कैसे रहोगी मेरी पुत्री? तुम तो इनकी अर्धांगनी हो, तुम इनके बगैर कैसे रह सकती हो? नहीं पुत्री, नहीं, नहीं। सीते, सीते क्यों रोती हो,
क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख तो समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं सहन कर सकती हो, किंतु आत्मा है बलवान, बल होगा तो सह सकती हो। हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। चलने को चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। तुम राज महल की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मेरे जीवन की डोर आप ही के हाथों में है। मैं हूँ चरणों की दाती तुम्हारी, मैं हूँ चरणों की दाती तुम्हारी, जैसे चलता की प्यारी उजारी, जैसे चलता की प्यारी उजारी, धरती तीनों पीछा तुम हो जग जैसी सुनी नदी बिन पारी, जैसी सुनी नदी बिन पारी, ऐसे समझो पुरुष बिन नारी, ऐसे समझो पुरुष बिन नारी, हे जनक नंदिनी, यदि आप वन में जाने के लिए इतनी हट करती हैं, तो शीघ्र ही वन जाने के लिए तैयार हो जाइए। भैया भैया भैया, उठो भैया लक्ष्मण उठो। हैं, यह क्या लक्ष्मण, इतने अधीर मत हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। भैया, कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है, है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे प्रभु, जब यही भाव है तो क्यों ममता को तोड़े जाते हो तुम? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो तुम? भाषण चातुर्य नहीं मुझमें,
भैया लक्ष्मण, इस समय महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। भैया भरत और भैया शत्रुघ्न भी घर पर नहीं हैं और इस समय मैं तुम्हें साथ लेकर चलूं तो सभी प्रकार अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। हे भाई लक्ष्मण, जिसके राज्य में उसकी प्यारी प्रजा प्रसन्न नहीं होती तो वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे भैया, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ उससे कैसे टल सकता हूँ। मंजली माँ ने कहा नहीं साथ कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुंझलाएगी। बेटा राम, मैं तुम्हें ये आज्ञा देती हूँ कि तुम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ। बेटा राम, मैं मेरे पुत्र लक्ष्मण को, मेरे दुलारे को तुझे सौंप रही हूँ पुत्र। इसका ध्यान रखना मेरे पुत्र इसका। पिताजी प्रणाम। हे पिताजी, ये कैसी व्याकुलता है। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे पिताजी, हर्ष के समय आप शोक क्यों मना रहे हैं। हे पिताजी, प्रिय के प्रेमवश कर्म में त्रुटि करने से जग में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। हे पिताजी, आप मन मैला ना करें। हम शीघ्र ही लौटकर आपके चरण कमलों के दर्शन करेंगे। बेटा राम, मुझसा कठोर पिता इस जग में और नहीं होगा। तुझसा आज्ञाकारी पुत्र इस जग में और नहीं हो। तुम अपना प्यार छोड़ दो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। हे पिताजी, कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना अच्छा। अब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। हमें आशीष प्रदान कीजिए
हम कुशल सहित घर आएंगे। राम राम, ये वल्कल वस्त्र लो और शीघ्र वन को जाओ। लक्ष्मण, तुम भी ये वल्कल वस्त्र लो और शीघ्र वन को जाओ। सीता, तुम भी ये वल्कल वस्त्र लो। सावधान, क्या छेद नहीं तो सारा है। तूने वन राघव को मांगा, क्या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तेरा? जो मैं उसे मनाती है, हम जितने दबते जाते हैं तो उतनी चढ़ती जाती है। रानी, नारित्व की मर्यादा को लंघन मत करो। तुम भूल रही हो, सीता भी राजरानी। बेटी सीता, पहले तुम्हारा वन को जाना ही अनुचित है, पर जाती हो हट पूर्वक तो तकसीम का बाना उचित है। अधिकार तुम्हें है बेटा, तुम कंकड़ों पुटलों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। हे गुरुदेव, आपका है ठीक विचार, परंतु हमारी माता को वे सब अस्वीकार। उनका यह कहना है, स्वामी जब तपसी बाने में जाता है तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन कर के साथ सदा ही दिन है। स्वामी अगर तपसी है तो पहले दासी तपसिन है। कैसी तपसिन? हम नहीं करते स्वीकार। बेटी सीता, वन में जाकर चाहो जैसा, तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना, तपसिन बनना, चाहे अंग बहुत रमा लेना, पर हम बूटों के आगे तो रानी ही बनी रहो। बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसा मत वचन कहो बेटी। हे राज रानी, तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। हे लक्ष्मण, तुम वन में परिचर्या करने के लिए जा रहे हो तो परिचारक बनकर रहना। धनुष और निशंग साथ ले लो और हमेशा अपने स्वामी की रक्षा में तत्पर रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा वेश यति का सा हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान क्षत्रिय का सा। पुत्र राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अशोक कुमार सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व महासचिव, पीसीसी राजस्थान। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बन्नाराम मीणा, चेयरमैन सरस डेयरी, अलवर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिमांशु शर्मा, जिला महासचिव, कांग्रेस। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपना घर शालीमार त्रेहान होम डेवलपर्स ग्रुप, अलवर। अश्वनी खोसला, डायरेक्टर। अशोक सैनी, डायरेक्टर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर एससी मित्तल, डॉक्टर अलका मित्तल और समस्त मित्तल हॉस्पिटल परिवार, अलवर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हरी शंकर रावत, प्रमुख समाज सेवी, अलवर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एस के पारिक, वाइस प्रेसिडेंट, डाटा ग्रुप, अलवर।
परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री किशन गुप्ता, CA, प्रमुख समाज सेवी, अलवर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विजय कुमार जैन, अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी आदिनाथ जैन शिक्षण समिति, अलवर। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर डाटा ग्रुप अलवर की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परंपरागत रामलीला के प्रसारण पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अरुण जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता, अलवर। धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहचान बनेगा अलवर की, पहचान बनेगा आपकी। अलवर शहर की सबसे बेहतरीन लोकेशन भवानी तोप सर्किल मिनी सचिवालय के सामने बन रहा है अलवर शहर का सबसे शानदार कमर्शियल कम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सिग्नेचर राज विलास। आपकी जरूरत के हिसाब से यहां उपलब्ध है दुकानें, शोरूम, ऑफिस एवं L47418 1 और 2 BHK फ्लैट्स। फॉर बुकिंग एंड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट तरुण मिश्रा 9922887241, गौरव बावेजा 9785987598। हम मन को चले शिवन के हे जननी बेटे बन को भेज दी कैसा जमा
वापिस अयोध्या लौटा। जो आज्ञा महाराज। सखा सुमर, यदि राम और लक्ष्मण वापिस अयोध्या नहीं लौटे क्योंकि वो अपने प्रण के पक्के हैं, तो कम से कम सीता को अयोध्या वापिस ले आना। यदि सीता अयोध्या वापिस आ जाएगी तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। जाओ मेरे सखा सुमन, जाओ। जो आज्ञा महाराज। जानकी से ये कह देना, जब उसका जी चाहे चाहे जनकपुर में रहे, चाहे अयोध्या में रहे, यदि जानकी लौट आई तो मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये प्राण नहीं रहेंगे। तुम किसी भी युक्ति से सीता को वापिस लौटा लाना। जाओ जाओ सखा सुमन, जाओ। जो आज्ञा महाराज। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के तुम मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, श्री राम हमारी विनती मत ठुकराओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, श्री राम हमारी विनती मत ठुकराओ। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर ने रथ विहीन बन बन फिरे। राम सिया दीन रे विधुना तेरे लेख किसी के समझ न आते। विधुना तेरे लेख किसी के समझ न आते। ओ जन जन के पिए राम लखन सिए बन को जाते हैं। विधुना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। सुनते हैं दे बोने आकर
हील की रात का बेशु बना कर सुनते हैं दे बोने आकर हील की रात का बेशु बना कर पर अनुकुटी रहने को आखिर रख दी हाथों हाथ बना कर राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हो जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते विधुनाते रे लेख किसी के समझ नाते हैं राज महल में पाया जीवन फूलों से हुआ लालन पालन राज महल में पाया जीवन फूलों से हुआ लालन पालन त्याग महल के सारे सुख और त्याग अयोध्या का सिंहासन त्याग अयोध्या का सिंहासन सिया राम की सेवा कर सब सिया राम की सेवा कर सब पुण्य कमाते सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते विधुनाते रे लेख किसी के समझ न जाते समझ न जाते समझ न जाते हे भाइयों मैं तुम्हें अपने साथ वन में नहीं ले जा सकता। हे प्रभु हम आपके साथ ही चलेंगे। ठीक है भाइयों जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है सुमन जी अब रात्रि हो गई है
अब हम वही यहीं विश्राम करेंगे। और भाइयों, तुम भी अब यहीं पर विश्राम करो। हे सुमन जी, अब सब पुरवासी गहरी निंद्रा में हैं, तो अब रथ के सारे निशान मिटाकर शांति से प्रस्थान कीजिए। यो आज्ञा प्रभु। अरे मेरे भाइयों, मैं तो रथ का पहिया पकड़ के सो रहा था और भगवान मेरे कपड़ों की पुटलियां मुझे पकड़ा के चले गए। भगवान कित गए? प्रभु प्रभु कहाँ हो? चलो भाई प्रभु, चलो भाई ढूंढे प्रभु। कहीं लीक तो देखो रथ की, लीक तो होगी। नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। हे प्रभु, आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज आप हमारी नगरी में पधारे हैं। प्रभु, ये भी नगरी अयोध्या की ही है, आप यही हमारी नगरी में विश्राम कीजिए। नहीं भाई, हम 14 वर्षों तक किसी भी नगरी में प्रवेश नहीं करेंगे और सिर्फ वनों में ही अपना समय व्यतीत करेंगे। प्रभु, यह तो आपका बहुत कठिन व्रत है। यदि आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली है तो कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ठीक है भाई। हे प्रभु, मुझे महाराज दशरथ ने आज्ञा दी थी कि मैं आपको 2-4 दिन वन में भ्रमण करा के गंगा का स्नान करा के और वापस अयोध्या नगरी ले चलूं। हे मंत्रीवर, देखो यह बात हुई अब दूर, पीछे हटते हैं नहीं सती सिंह और शूर। मंत्री मंत्री, प्यारे मंत्री, यदि आप हमें चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते केवल इतना सा मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तक इस राघव को बिसराओ तुम। और मंत्रीवर, पिताजी से ये कहना कि हम 14 वर्ष पूर्ण कर शीघ्र ही उनके चरण कमलों के दर्शन पाएंगे। हे प्रभु, अगर आप अयोध्या नगरी वापस ना लौट सके तो सीता जी को मेरे साथ लौटा दीजिए, जिससे आपके विरह में दुखी महाराज अपने प्राणों का त्याग ना करें। हे मंत्रीवर, आप वापस जाकर सास ससुर के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और उन्हें कहना कि मैं प्रभु के साथ यहाँ खुश हूँ। मंत्रीवर, यह भी कह देना केकई माता से, घी के चिराग जलाएं वे, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक रात चलाएं वे। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को लिख मत लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच। केवल इतना कह देना तुम, जब 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, इस अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको।
हे सुमन जी, आप शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। हे भाई केवट, अपनी नैया लेकर इधर आओ। अभी आया प्रभु। भाई केवट, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। अभी आया प्रभु। प्रभु जो हे भाई केवट, आप अपनी नाव से हमें गंगा पार उतार दीजिए। जी प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। प्रभु, एक छोटी सी शंका है मेरी। क्या शंका है प्रभु? शंका सुनिए आप। करके पत्थर शेर से नारी आए मेरे पास खरारी, करके पत्थर शेर से नारी आए मेरे पास खरारी, नौका बनी काट की मारी, इसमें वारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या। करके पत्थर शेर सिनारी आए मेरे पास करारी, नौका बनी काट की मारी, इसमें वारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या। प्रभु सुनिए कि मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, छूते सिला नारी भाई तो काठ की औकात क्या, अज मेरा यही रुजगार है, रुजगार की प्रभु जात क्या, कीजे कृपा करुणा निधे मुझ दीन के संग घात क्या, मेरी बनी काठ की तरणी परसत जाए बनी मुनि धरणी, मेरी बनी काठ की तरणी परसत जाए बनी मुनि धरणी, इसमें है क्या खोटी बरनी, ये अनारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या भगवन साची, कहो ना बिचारी है क्या।